चुनावी शंखनाद हो गया है। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हम बात करते हैं जेसीसीजे, जो साल 2018 में काफी निर्णायक भूमिका में था। उस समय जोगी जी थे और उस दौरान जो जेसीसीजे के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत भी हासिल की थी और एक थर्ड मोर्चे के रूप में एक बड़ी जीत हासिल थी, जबकि आज तक पहले छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। इस बार चूंकि अजीत जोगी नहीं है, ऐसे में उनकी कमी खल रही है इस पार्टी में, और इसके बाद इसकी कैसी तैयारी हम उसके लिए जानते हैं अमित जोगी जी से। इस बार अजीत जोगी जी नहीं है तो क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है और कितनी कमी महसूस करते हैं? लगातार 29 अगस्त से जब हमने पाटन से शुरुआत करी अपने चुनाव प्रचार की, लगभग 45 विधानसभाओं में मैं खुद गया हूं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे हुए हैं, जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मुझे पहले डर था कि क्या जो प्यार जो आशीर्वाद जनता मेरे पिताजी को देती थी मुझको मिलेगा। आपको हर जगह के कार्यक्रम मीडिया ने कवर किए हैं, जो प्यार जोगी जी को मिलता था वही प्यार छत्तीसगढ़ की जनता उनके बेटे को भी दे रही है। ये हमारी असली ताकत है। हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पर जनता का प्यार वो एक पूंजी है जो मुझे विरासत में मिली है जोगी जी से, वही मेरी असली ताकत है। जोगी जी के पास ऐसा कहीं देखने को मिला कि जेसीसीजे बिखरता नजर आया, इसके विधायक टूटते गए, दूसरे दल ज्वाइन कर रहे हैं और भी लोगों ने दूसरा प्रवेश किया, ये कौन सी नई बात है? जब उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहकर अपनी पार्टी अपनी सरकार नहीं बचा पाए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पे थे वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए, पवार साहब अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, हमारी पार्टी पे तो डे वन से लगातार कभी ऑपरेशन लोटस कभी ऑपरेशन पंजा सब चलता रहा, लेकिन 5 साल बाद आप देखेंगे हमारी पार्टी का अस्तित्व बचा हुआ है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, नेताओं वाली हमारी पार्टी नहीं है, जनता की पार्टी है। हमारा हाईकमान दिल्ली में नहीं है, हमारा हाईकमान अमित जोगी का हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता है, और यही मेरी पूंजी है। जोगी जी की पार्टी अपने चुनाव चिन्ह हल चलाता किसान चुनाव चिन्ह पर हर जगह चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कहती है आप बीजेपी के बी टीम हो, इस तरीके से इस बार भी काम कर रहे, ऐसा क्यों आरोप लगा रही है? भाई मैंने तो डे वन पे बोल दिया है कि आई विल प्रिफर अ बैड कांग्रेस गवर्नमेंट टू अ गुड बीजेपी गवर्नमेंट। मैं बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करूंगा बशर्ते कि ये अच्छी भाजपा की सरकार, क्योंकि हमारा डीएनए एनडीए में बिल्कुल फिट नहीं होता है। पर मुझे पूरा विश्वास है इस बार 15 साल लोगों ने भाजपा को मौका दे दिया, 5 साल कांग्रेस को दे दिया, इस बार वो नेता नहीं अपने बेटे को मौका देगी। कहीं ना कहीं आप बोल रहे मौका मिलेगा, लेकिन लगता नहीं सरकार बन पाएगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह तैयारी है। हमारी पूरी तैयारी है, आप देखिएगा चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। अभी तो बीजेपी की लिस्ट आई है, अभी उसको लिस्ट आए 24 घंटे नहीं हुए, 50 लोग मेरे से ऑलरेडी संपर्क में आ गए। कांग्रेस में भी इसी तरह का भूचाल आएगा, अच्छे अच्छे लोगों की अपेक्षा की जा रही है उनकी पार्टियों के द्वारा, उनको उनका जो मेहनत है जो समर्पण है उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। पाटन में आपका फोकस है, मुख्य वजह क्या मानते हैं, सीएम दावेदार या कोई और कारण है? मेरे पिताजी ने अपनी प्रचार अभियान की शुरुआत अपनी पार्टी का गठन ही थाटापुर से जब किया था, रमन सिंह तब हमारे एनिमी नंबर वन थे। हम आज की तारीख में जो क्षेत्रीयवाद है उसके मद्देनजर भूपेश बघेल एनिमी नंबर वन है, उनके क्षेत्र से हमने ये चुनौती देकर अपना प्रचार अभियान चालू किया है कि हम भूपेश मुक्त सरकार देंगे। ये बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, जनता बार बार बोल रही है भूपेश है तो धोखा है, केवल धोखा देने का काम भूपेश बघेल ने किया। मरवाही को भूलते ना, मरवाही से हर चीज होती थी आपके एक समय। मरवाही तो मेरा घर है, मैं जाऊं ना जाऊं, भाई मुझे रोक दिया आपने लड़ने से, इस बार कैसे रोकेंगे? कोई ना कोई तो जोगी जी के परिवार से वहां लड़ेगा ही, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मरवाही और जोगी को अलग कर सके। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या व्यवस्था, किस तरह की तैयारी है? हम तो सभी सीटों पर लड़ेंगे। आप कहां से उम्मीदवारी करेंगे, क्योंकि लगातार चर्चा है कि पाटन से। मैं तो 90 जगह से उम्मीदवार हूं। वो तो आप पार्टी प्रमुख हैं, लेकिन एक कोई ऐसी एक कोई हर जगह जा रहा हूं, हर जगह अमित जोगी लड़ रहा है, वो तो पार्टी आप चला रहे हैं उसके हिसाब से सभी जगह से आपका मुख्य चेहरा है, लेकिन एक कोई सीट तो होगी जहां से आप। हम लोगों ने पिछली बार 3 महीने पहले सब टिकटें घोषणा करके बहुत बड़ी गलती करी थी। इस बार बीजेपी की लिस्ट आएगी, कांग्रेस की लिस्ट आएगी, हम पूरा वो समीकरण समझेंगे और उसके बाद आराम से। क्या खरीद फरोख का डर है कि जो उम्मीदवार आपके खरीदे फरोख जाए, इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं? भाई ये अब मैं ये खरीद फरोख सत्ता 3 महीने पहले खरीद, हमारे पार्टी के नेताओं को ऑप्शन दिया जाता है, या तो कांग्रेस प्रवेश कर लो या जेल प्रवेश करो, ये चला है पिछले 5 साल।
उसके बाद भी अगर आज हमारी पार्टी खड़ी है, दमदारी से जनता के बीच में जा रही है, लोगों को ये लग रहा था कि जोगी जी मर गए पार्टी खत्म हो गई, आज भी लोगों के दिलों में जोगी जिंदा है। जिस संस्कृति बात कर रही है आपकी पार्टी, वही संस्कृति भूपेश बघेल आगे बढ़ा रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, तीज त्यौहार और छुट्टियां सभी दावे किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, गेड़ी में चढ़कर या खुद को सोटा मारकर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया नहीं होगा। जब राज्यसभा देने की बात आती है, दो सीटें आपको मिलती है आपकी पार्टी को, एक यूपी वाले को देते हो, एक बिहार वाले को, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की बात करते हैं। हमारी बिजली, हमारी रेत, हमारी नौकरी, हमारा कोयला, हमारा सोना, हमारा हीरा, हमारे जंगल, सब तो ये बेच दिए हैं। क्या छत्तीसगढ़वाद की बात कर रहे हैं? एक एक जो उनका फैसला होता है, इतना दुख होता है मुझे। दिल्ली में बैठे नेता जिनको छत्तीसगढ़ का काखा गा नहीं मालूम है, वो छत्तीसगढ़ की तकदीर का फैसला करेंगे? ऐसा नहीं चलने वाला। इस बार आदिवासी भी अलग हो गए, चुनाव से अलग हो गए, वो अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं, तो अभी तक आदिवासियों का समर्थन भी आपको रहा है, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी? भाई मैं तो अभी बस्तर गया, वहां सर्व आदिवासी समाज के तीन फाड़ मुझे दिखे, एक ठाकुर फैक्शन है, एक नेताम फैक्शन है, एक टोडम फैक्शन है। भाई आप जब एक होंगे तब तो कुछ कर पाएंगे। अंतिम सवाल, कितनी सीट जीत रहे हैं और कितने आपके कैंडिडेट सरकार में आने वाले हैं और क्या किंग मेकर का काम करेंगे आप? ना मुझे किंग मेकर बनना है ना किंग बनना है, मुझे छत्तीसगढ़ की जनता को किंग बनाना है। ये जो घोटालेबाज धोखेबाज दोनों सरकारें रही हैं उनको मैंने चुनौती दी है। मैं कोई घोषणा पत्र नहीं दे रहा हूं, मैंने 100 रुपये के स्टैंप पेपर में शपथ पत्र में लिख के 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया है। मेरी सरकार बनेगी मैं ये 10 कदम लूंगा, अगर नहीं लिया तो जनता को अधिकार है, मतदाता को अधिकार है, मुझे झूठा शपथ पत्र देने के जुर्म में 2 साल के लिए जेल भी भेज सकता है। अगर कांग्रेस की भाजपा की घोषणाओं में दम है, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पर सबको गजनी वाली बीमारी हो जाती है, 15 मिनट में सब भूल जाते हैं, घोषणा करते हैं 15 मिनट बाद पूछे क्या है, भूल गए। मैंने शपथ पत्र दिया है और बड़ी सोच समझ के कि ये 10 कदम मैं लूंगा, गरीबी खत्म करूंगा, लोगों का राजनीति में फिर से विश्वास बनेगा। अमित जोगी जो गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे गरीबी खत्म होगी और यह देखना होगा आने वाले समय में, चुनाव की तैयारी इनकी चल रही है और देखना है कि ये चुनाव में किस तरह का प्रभाव दिखाती है। जैसे कैमरा मित्र प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।